यो व्हाट्सअप गाइड्स, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू अनदर न्यू गेम प्ले वीडियो। दिस वीडियो आई एम प्ले बुली एंड ओवरसली। आज की इस वीडियो में मैं दोबारा से खेलने जोड़ गया जाए पे बुली एंड ओवरसली। तो लास्ट वाली वीडियो में गए जाए पे क्या हुआ, तो मैं सबसे पहले आपको वो बता देता हूँ लास्ट वाले वीडियो के अंदर। जो अपने मैं और जेम और जो मेरा छोटा मतलब जो अपना छोटा दोस्त था वो यहाँ पे कौन से तो मिशन के बारे में बात कर लेते, लेकिन यहाँ पे एक जाड़ा बंदा मतलब एक जाड़ा बच्चा उस बीच में आ जाता है जिसके हमने हेल्प की थी। वो कहता है मैं और मेरा फ्रेंड एक प्रोजेक्ट पे काम कर लेते, लेकिन उसी बीच में कुछ तो हमारे सामान पे ले जाते, लेकिन वो रहते हैं गैरेज के अंदर। तो मेरा जो दोस्त है वो जाते हैं गैरेज के अंदर तक, लेकिन वो आधे घंटे से वापस नहीं आया था। तो एक काम कर ले, जिमी वहाँ पे जाए और देखे क्या हुआ है। मैंने कहा कि मैं क्यों वहाँ पे जाऊँ जो तू जाना, तो वो कह ले या अगर मैं जाता हूँ मैं जाने को जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैं कहाँ पे भी जाता हूँ तो वैसे पे मेरे जो बच्चे पसंद करते तो मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। तो लेकिन मैं अपना दोस्त भी कहता है जिमी को जाना चाहिए वहाँ पे। और लेकिन मैं तब जब मैं जाता हूँ तब वजह पे उस बच्चे को बहुत सा 2-3 बच्चे लेवल 2 के मार लेते। तो मैंने क्या किया वजह पे, मैंने उन बच्चे को मारा और उस बच्चे को कहा जो जो सामान है वो लेने के लिए। और जब उस बच्चे ने सामान लिया तब वजह वो जब जा रहा था उसने हमें एक स्केटबोर्ड टाइप गिफ्ट की थी गई पे। और लास्ट वाले वीडियो में गए जहाँ पे हमें एक स्केटबोर्ड मिल गई थी। तो इस वाले वीडियो में गए जहाँ पे हम यहाँ पे आज की इस वीडियो में गए जहाँ पे हम जो है अपना चैप्टर 2, आपको तो पता है इस वाले गेम में 6 चैप्टर है। तो गए जहाँ पे हम आज के इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर अपना होने वाला है और हम आज की इस वीडियो में अनलॉक करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज की इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ऑल लाइट गाइस, आप जैसे कि देख ही सकते हो मैं फिलहाल आप जो अपने बॉस डॉम से बाहर निकल चुका हूँ। तो जो अपना फर्स्ट मिशन है गाइस जो गर्ल्स डॉम के अंदर है, और मेरे को नहीं पता गाइस गर्ल्स डॉम के अंदर फिलहाल क्या मिशन है। तो फटाफट लेते अपने स्केटबोर्ड को और चलते फिलहाल गर्ल्स डॉम के अंदर और देखते क्या मिशन है भाई यहाँ पे। लेकिन मेरे को एक बार समझ में नहीं आई गर्ल्स डॉम के अंदर क्या मिशन है और ये जिमी क्यों गिर गया भाई। तो फटाफट उठ जिमी। ओके तो फिलहाल चलते अभी अंदर में आ चुका हूँ फिलहाल अंदर की साइड और देखते भाई अभी अंदर क्या मिशन है। तो ओके तो अपने मिशन हो चुके हैं फिलहाल यहाँ पे स्टार्ट। और देखते हैं ये दो लड़कियाँ क्यों झगड़ा कर ले भाई यहाँ पे। और है तो लेवल 4 की गर्ल है ना, ये लेवल 1 की गर्ल को काय को पसंद कर लिए भाई। लेवल 4 मेरे को लगता था लेवल 1 और लेवल 5 के बच्चे में, मतलब जो लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 के बच्चे लेवल 1 को पसंद करते, लेवल 1 के बॉयज़ को पसंद करते, लेकिन यहाँ पे गर्ल्स और जो लेवल 2 से लेकर लेवल 3 तक गर्ल्स भी यहाँ पे पसंद करती है भाई यहाँ पे लेवल 1 की गर्ल्स को भाई। और ये लेवल 4 की गर्ल्स मेरे को कह ली तू यहाँ पे क्या कर रहा है। मैंने कहा कुछ भी नहीं। और अभी क्या सीन है भाई यहाँ पे। ठीक है मेरे को सारी बातें समझ में आ चुकी गई जहाँ पे। तो ये जो अपनी लेवल 1 की गर्ल है ना, उसका यहाँ पे जो लेवल 4 की बच्ची है उसने इस लेवल 1 का गए जहाँ पे। मेरे को समझ में आ चुकी है सारी बातें, मैं आपको समझाता हूँ क्या सीन है जहाँ पे इनका। जो लेवल 2 की मतलब लेवल 1 की गर्ल में उसने जैसे पे अपने पेपर में कुछ ना कुछ यहाँ पे लिख रखा था। अगर वो लिख रखा था पेपर के अंदर कुछ प्रिंसिपल को वो दिखा देती है तो वो लेवल 1 की गर्ल यहाँ पे ना जैसे पे ना मतलब स्कूल से उसे निकाल दे, उस स्कूल से जो उसे निकाल देंगे तो वो कह लीजिए मेरे को। कैसे भी उसका एक लॉकर है जो लेवल 1 की गर्ल को पता है। तो एक काम करे लेवल 1 की गर्ल के लिए, एक काम कर जिमी, अगर तू वो मेरे को लेके देगा ना, वो मतलब जो वो पेपर मुझे को वापस ला के देगा तो मैं तुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट दूंगी, जिससे पैसे दूंगी नहीं तो तुझे और कुछ गिफ्ट दूंगी जिससे तू तेरा फ़ायदा होगा। मैंने कहा ठीक है मैं वो कर दूंगा। तो एक काम करते गए जब चलते फिलहाल यहाँ से और जो उस गर्ल का है ना वो फटाफट ला के देते। तो ऑलराइट गाइस फिलहाल चलते हैं यहाँ से। और देखो गाइस यहाँ पे बारिश होना भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, तो फटाफट जाना पड़ेगा यहाँ से मेरे को। और ये प्रिंस तेरी भैंस की आग, निकल यहाँ से सर, निकल, सबको छोड़ते हैं और मेरे को मेरे पीछे पलता है ये, सबको छोड़ते हैं यहाँ पे। लेवल 2 का बॉयज़ है यहाँ पे, देखो लेवल 2 के बॉयज़ को छोड़ते हैं और मेरे पीछे पलता है जैसे पे हर टाइम का सर का। तो काम करते हैं फटाफट डस्टबिन के अंदर छुपते हैं जैसे पे और बाद में आपको मिलता होगा जैसे डस्टबिन के अंदर छुपने के बाद में। सो ऑलराइट गाइस, आप जैसे कि देख ही सकते हो जो यहाँ पे जिम है ना उसके अंदर गाइस यहाँ पे गर्ल्स का और बॉयज़ का यहाँ पे लॉकर है।
वहाँ पे हमें जाना पड़ेगा जैसे पे जिम के अंदर है। ओके मेरे को समझ में आ चुका है। जो हुमन्स लॉकर लूँ मैंने गए जैसे पे वहाँ पे जो हुमन्स टॉयलेट के अंदर। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आ ही गए गए जैसे पे मैं काम कर लेता हूँ ना, थोड़ी देर नहा भी लेता हूँ, जिससे गए जैसे मतलब नहा भी लेता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है इस गेम के अंदर नहाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नहा भी लेते गए जैसे पे, फटाफट कपड़े वपड़े चेंज करते और नहाते और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। सो ऑल लाइट गाइस, आप जैसे कि देख सकते हो मैंने फिलहाल यहाँ पे नहा लिया है। और यहाँ पे देखोगे जब मैंने एक जॉकेट पहन ली है और एक मैंने एक जॉकेट पहन लिया और जीन्स पहन लिया और शूज़ पहन लिया और यहाँ पे एक बस कैप मैंने पहन ली है क्योंकि अपना जिम यहाँ पे टकला है तो आपको पता ही होगा। तो फटाफट एक काम कर देगा जब पे चलते और जो मतलब हुमन्स लॉकर लूँ मैंने गए जब पे वो मतलब हुमन्स टॉयलेट है ना वो यहाँ पे अंदर ही है और बस यहाँ पे कोई गल ना होगा जब पे, तो वो शोर करी और एक गल है भाई यहाँ पे। बस उसने भाई उसने देख लिया भाई भाई सॉरी सॉरी दीदी सॉरी मेरे को आना नहीं चाहिए था लेकिन मैं आ गया भाई। बस यहाँ पे सर ना यहाँ पे आ जाए क्योंकि जो सर है ना गए जब पे वो भी हुमन्स लॉकर लूम के अंदर आते। और भाई मैंने यहाँ पे कह ही रहा था कि सर ना आए यहाँ पे और यहाँ पे सर ही गए जहाँ पे। वन सेकेंड यहाँ पे इस सर को जाने देते भाई। सर क्या कर ले भाई हुमन्स लॉकर रूम के अंदर, टीचर आने चाहिए ना, जान दो वो सब। मेरे को कोई लेन देन नहीं है अपना, मेरे को मिशन से लेन देना है, मेरे को बाकी के काम से लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। फिर एक काम करते जा रहा है भाई, चले जा। मेरे को बस यहाँ पे दो यहाँ पे कोट लगाना है फिर ये वाला वाले खुल जाएगा ये लॉकर रूम। प्लीज़ यार खुल जा भाई यार, ये मेरे को लेना नहीं है इस हुमन्स लॉकर रूम के अंदर, तब मेरे को आना पड़ रहा है इस मिशन में। क्या ही करो भाई, अगर चैप्टर 2 ओपन करने तो करना पड़ेगा। और खुल गया वो, ओके खुल चुका है। और उसके मेरे को पेपर भी मिल चुके हैं और मेरे को कुछ ना कुछ और एक मिल चुका है, मेरे को नहीं पता अभी क्या है भाई ये। फटाफट चलते गए यहाँ से। और वन सेकेंड हाँ ओके, तो मैं बाहर निकल चुका हूँ भाई। भाई 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 मेरी हालत ख़राब हो गई थी गाइस यहाँ पे, वहाँ पे क्योंकि यहाँ पे भाई वहाँ पे मेरी हालत ख़राब हो गई थी। हुमन्स लॉकर रूम के अंदर मेरे को जाना पड़ रहा था, तो फिलहाल ठीक है मैं आ चुका हूँ। और ले भाई तेरे फटाफट पेपर और मेरे को जाने दे भाई यहाँ से, ले तेरे फटाफट, तू मेरे को कुछ दे आने दे, मेरे को जाने भाई यहाँ से फटाफट, मेरे को नहीं लेना है तेरे पास भाई। यार है जिमी भाई, जिमी कभी नहीं सुधरने वाला भाई, क्या सीन है भाई इनका। तो एक काम कर देगा जब पे एक फटाफट एक मिशन में चलते, मैं आपको एक काम करता हूँ जब पे यहाँ पे एक मिशन है वहाँ पे चलता हूँ और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। सो और लेट गाइस, आप जैसे कि देख ही सकते हो ये जो अपने मिशन में फिलहाल पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पे आप खुद देखो यहाँ पे एक मिशन है, तो एक काम कर दो फटाफट इस मिशन पे आप। यार सर मेरे अलग पीछे पड़ चुका है भाई, यार जाने दे भाई सर। ओके जा रहे ठीक है ओके। तो फटाफट मैंने मिशन को कर दिया फिलहाल यहाँ पे स्टार्ट। और यहाँ पे देखते हैं ये क्या सीन है भाई यहाँ पे। ओके क्लास प्रेसिडेंट, ओके ये भाई लेवल 5 के बच्चे यहाँ पे क्या कर ले भाई, तो इनके सारे बातें सुनते गए जहाँ पे। और मैं फिर आपसे मिलता हूँ। सो और लेट गए जहाँ पे मेरी इस बच्चे से बात हो चुकी है। तो गए जहाँ पे हे जो ना हे जो आप चश्मे जो जिसने चश्मा पहना है ना वो जो बच्चा गए जहाँ पे वो जो बच्चा है ना वो क्लास प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे खड़ा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे लेवल 5 के बच्चे उस बीच में आए, लेकिन वो जो बच्चा था ना वो ना यहाँ पे ना दीवार पे चिपका रहा था कि मैं प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ, मेरे को वोट करो। और उसके आज स्पीच है, और अगर वो एक बार स्पीच हो गई तो वो बन जाएगा क्लास प्रेसिडेंट। लेकिन लेवल 5 के बच्चे के लिए मैं हम तुझे बनने नहीं देंगे, उसने कहा क्यों, तो वो कह रहा है कि मज़े के लिए हम तेरे को नहीं बनने देंगे भाई। लेवल 5 के बच्चे तो लेवल 5 के बच्चे ऐसा लग करेंगे क्योंकि उनको ताकत है भाई, वो करेंगे। तो यहाँ पे देखो आज उसकी पीजे और उसकी उसी बीच के अंदर जो लेवल 5 के बच्चे आने वाले और उसे परेशान करेंगे, हमें वैसा नहीं करने देना है, तो ठीक है फिलहाल। सो ऑल लाइट गाइस यहाँ पे देखो यहाँ पे लेवल 5 का बच्चा आ चुका है, मैंने इसे भगा तो दिया है फिलहाल। यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे मेरे को पता नहीं क्या है, तो यहाँ पे भी एक बच्चा है तो इसे भगाते हैं। और मेरे को है नहीं पता इस बच्चे ने हमें दिया क्या है जिससे यहाँ पे मतलब जिससे हम इन सबको ईजिली मार पा रहे। तो यहाँ पे भी एक बच्चा है, तो यहाँ पे मैंने इसे मारा है। तो और एक देखते और कौन से बच्चे है। सो ऑल लाइट गाइस यहाँ पे देखो और एक बच्चा आ चुका है भाई। कितने सारे बच्चे देख रहे हो भाई, काम करना पड़ेगा जब इन सबको मारते हो। और देखते हो और कितने बच्चे भाई यहाँ पे। सो लाइट यहाँ पे देखो भाई बहुत सारे बच्चे, एक मतलब एक बच्चे को मारने के लिए इतने सारे बच्चे उस बच्चे ने बुलाए, देख रहे हो क्या ही मैं क्या ही बोला है, एक बच्चे को मारने के लिए कितने सारे बच्चे बुलाए उस बच्चे ने
मतलब देख लो मैंने क्या ही ज़्यादा तगड़ा यहाँ पे कॉम्बिनेशन नगल लगाए, कहाँ का वॉट मैंने कहाँ पे जोड़ा है। ठीक है फिलहाल यहाँ पे मैंने कितने सारे बच्चे को यहाँ पे मारते जलाओ और ये आते जले भाई ख़त्म भी कर भाई तेरी स्पीच, तू ख़त्म करेगा तभी तो भाई ये बाकी बच्चे ना आएंगे ना, ऊपर से भी आ रहे भाई उसे मारने के लिए, भाई छोटा सा बच्चे उसकी जान लोगे क्या भाई? भाई 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 खतरनाक सीन है यहाँ पे, इसे भी मारो। ले तेरी भैंस की आँख, ले तेरी भैंस की आँख ले वो छोटे से मारने के लिए, छोटे से बच्चे को मारने के लिए इतने सारे बच्चे। भाई ये स्पीच ख़त्म कर भाई, यार इसकी स्पीच देख लो क्या है ज़्यादा बड़ी चल रही भाई यहाँ पे। भाई ख़त्म कर भाई तेरी स्पीच, मेरे को नहीं सुननी तेरी स्पीच। ओके सो ऑल लेट गाइस यहाँ पे फाइनली उस बच्चे की स्पीच जो है वो ख़त्म हो चुकी है और चलते फटाफट यहाँ से, और उस बच्चे ने हमें गाइस यहाँ पे कुछ ना कुछ मारने का दिया है सामान, तो ठीक है फिलहाल चलते यहाँ से भागते हुए। और एक अपने और एक मिशन है गाइस यहाँ पे भाई, इस वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा मिशन होने वाले गाइस यहाँ पे, तो फटाफट एक काम करते चलते इस मिशन की तरफ और देखते ले तेरी भैंस क्या तू मेरे को मारेगा। और ये देख लो अभी गाइस यहाँ पे लुक बैठे हैं, लुक मैं तेरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ, तभी भी आ रहेगा जब आने दो आने दो, कोई टेंशन नहीं सबको मारेंगे भाई, कोई दिक्कत की बात ही क्या है, लेवल टू के बच्चे बहुत परेशान कर देगा मेरे को, कोई नहीं इनके भी एक दिन बारी आएंगी। तो फिर चलते हैं भाई अंदर। सो और लड़का जब देखो अपना जो सेकेंड मिशन है वो अपने कमरे के अंदर है, ठीक है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे होने वाला शायद से अपना मिशन, तो फटाफट एक काम कर दे चलते मिशन को फिर स्टार्ट। सो और लेट गाइस यहाँ पे अपना मिशन हो चुका है फिर स्टार्ट, और इस मिशन का नाम है हेलोवीन। तो अपने जो बेल्ट के ऊपर जो अपने दोस्त था जेम वो यहाँ पे बैठा हुआ था, और जेम कह रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है जिमी। मैंने कहा हाँ मेरे को भी बोर हो रहा है, क्या कल भी कह सकते हम। तो जेम कह रहा है कि एक काम करते हम सबके साथ प्लैंक करते, मैंने कहा प्लैंक जेम कह रहा है सबके साथ हम प्लैंक करते वो ही अच्छा लगेगा अभी के लिए। मैंने कहा प्लैंक करेंगे तो करेंगे क्या, जेम कह रहा है एक काम कर तेरे को कोई भी बच्चे छोटे आए या बड़े बच्चे आए लेवल 5 के बच्चे कितने भी बच्चे आए सबके पास जा और उन्हें बोल कोई क्या काम करने के, मतलब उन्हें बोल क्या काम करने क्या मैं काम कर जो छोटे बच्चे हैं ना जो बड़े बच्चे हैं उनके पास जा और उनसे मिशन ले, सब तेरे को मिशन देंगे और वो मिशन कर और उसमें हम फन करेंगे। मैंने बोला ठीक है फिर एक काम कर लेगा जब यहाँ से बाहर निकलते और देखते गए जब क्या मिशन होने वाले गए अपने लिए। सो ऑलराइट गए जब देखो जो छोटा बच्चा है ना वो भी आ चुका है, जो अपना जेम है वो भी आ चुका है, तो ये छोटे बच्चे ना गए मेरे पास आया और छोटा बच्चा मेरे को कह रहा है कि ना ये जो इसने गए हमें एक नोटिस दिए और नोटिस में गए जब ना एक नोटिस दिए गए जब उस बच्चे ने गए जब हमें और उस नोटिस को हमें किसके पीठ में भी फिलहाल चिपकाना है, तो ठीक है जब इससे लेते फिलहाल वो नोटिस को और तेली भेज के अब तू कहे को आए मैं मेरे पास निकल यहाँ से निकल पहले फुर्सत में निकल लूँ, बहुत गंदा मारूंगा तेरे को इसे फटाफट इन दोनों को ए फिर एक ही बच्चा है ना तो काम कर दीजिए फटाफट मारते हो गए जब और जो अपना मिशन है ना उसे फटाफट कंटिन्यू करते ले तेली भेज के आग निकल लौड़ी तेल फेली फुर्सत में। ठीक है मैंने वो इससे फिलहाल नोटिस ले ली है और कहाँ पे चिपकाना है काम कर देना हे जो है ना कहाँ पे भाई अंडे फेंक लेना उनके यहाँ पे पीठ में जाके चिपका देता हूँ किसी को क्या ही ज़रा पता लगेगा। तो चलो फटाफट एक काम करते चुपचाप का जहाँ पे हम जाना पड़ेगा चुपचाप यहाँ पे जाके चिपका दिया अबे नहीं 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 वो नोटी हाँ चिपका दी अपना फर्स्ट मिशन हो चुका है भाई 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 नहीं गए जहाँ पे मेरे को लगा इतना मिशन नहीं। सो गए जहाँ पे इतना मिशन नहीं है हमें और 6 मिशन करने हैं तब जाके हमें मतलब हमें और 6 प्लैंक्स करने हैं तब जाके होने वाला है। तो ठीक है फले फिलहाल मतलब हमें 6 प्लैंक्स करने हैं तब जाके गए जहाँ पे ही मिशन होगा अपना कंप्लीट। और अभी मैंने इसकी पीठ पे चिपकाया था ना इतने शायद से निकाल दिया है तो ओके इसने हमें अंडे दिए और है कह रहा है कि यहाँ पे अंडे सबको मार ले तू मेरे दोस्त को मारेगा तेरे ऊपर अंडे फेंकूँगा। ठीक है उसके ऊपर मैंने अंडे फेंक दिए यहाँ पे लड़की से पंगा ले तू भी ले और कहाँ पे भाई वो ओके और मेरे दोस्त को मारेगा तेरी भैंस की ओके हो चुका है अपना मिशन ये वाला। तो वट और भागते यहाँ से और देखते भाई और क्या अब और कौन सा मिशन है जहाँ पे कि हमें और क्या प्लैंक करने के लिए मिलेगा कहाँ पे भाई कहाँ पे ओके तो पीछे के साइड है कहाँ पे ठीक है तो इसने हमें क्या दिया उसने हम फटाका दिया है और ये कह रहे कि वहाँ पे 3 बच्चे उसके पास जाके फोल दे ये फटाका
और गाइस यहाँ पे देखो इन्हें यहाँ पे आएंगे बहुत मजे की, यहाँ पे फटाका और फूट रहे, लेकिन जैसे ये फटाका फूटेगा ना तब देखना, अभी देखो फूटा फूटना भाई फूटा, 3 2 1 भाई साहब क्या ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से जो फटाका है ना वो फूटा है भाई लिटरली। तो यहाँ पे देखो और गाइस यहाँ पे दो हमें मिशन करने, तब जाके अपने मिशन होगा फिलहाल कंप्लीट। भाई क्या ही ज़्यादा गंदी तरीके से फटाका फूटा है ना भाई, पूछो मत। तो फिलहाल एक काम करते कहाँ पे भाई और कहाँ पे, अच्छा ठीक है वाला ला और देखते हैं अभी क्या है भाई यहाँ पे। इसने गए जहाँ पे हमें एक कुछ तो दिया है और ये कह रहा है कि सबके यहाँ पे अंग पे जाके फोल, ठीक है दो मैंने फेंक दिए और आपने बस तीन ती हो गए, आपने बस दो सिप, ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी हो चुका है फिलहाल अपना कंप्लीट। और कहाँ पे भाई और कहाँ पे और कहाँ पे और एक अपने मिशन कहाँ पे भाई, फटाफट हो जाओ भाई, ठीक है यहाँ पे कहाँ पे, ओके 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 हे लगा जहाँ पे। और इसे क्या करना है भाई, क्या करना है जल्दी बोल। ठीक है जहाँ पे इसने हमें एक ना खुजने वाला पाउडर दिया है, अगर हम किसी के भी अभी मतलब हम किसी के भी बॉडी पे डालेंगे ना तो जहाँ पे वो इंसान सा खुजली करने लगेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी इसके हम पे डाल दो, देखो पूरी बुरी तरीके से खुजली कर रहा है, हमें मार ही नहीं सकता मतलब ये बंदा। तो मैंने इसे भी इसके अंग पे भी डाल दिया है और नहीं हाँ तो एक वन अरे ख़त्म हो गए भाई सारे के सारे। एक काम करते उससे फिलहाल जाते फिलहाल और उससे गजे पे ओके तो उसके पास जाते और ये हमें ऑल देगा, ठीक है ले ली फिलहाल मैंने ऑल भी ज़्यादा खुश दिया और खुश आने तू भी ले और लेवल 5 का बच्चा है ना, ठीक है। तो अपने ये वाला मिशन फाइनली हो चुका है, तो गजे पे हम एक और एक मिशन कर सकते हैं गजे पे करने को, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम गजे पे नेक्स्ट डे करेंगे गजे पे मिशन। तो फिलहाल एक काम करते अपने गजे पे मैं 3 मिशन कर लिए, फर्स्ट गर्ल्स डॉम का, सेकंड गजे पे सेकंड कौन सा था मैं भूल गया, थर्ड गजे पे मैंने ये वाला मिशन कर लिए। तो अपना नेक्स्ट मिशन गजे पे मैं ना नेक्स्ट डे करूँगा। तो फिलहाल चलते अपने बॉस डॉम की तरफ, ले तू भी ले। तो एक काम करता हूँ गजे पे आपको कल सुबह मिलता हूँ। सो और लेट गज अब जैसे कि देख सकते हो फिलहाल सुबह हो चुकी है, तो फटाफट एक ये वाले मिशन है गए जहाँ पे अपने बॉस डॉम के अंदर, तो फटाफट करते कंटिन्यू। लेकिन उससे पहले गए आपको ये वाला बॉस जहाँ पे याद ही होगा जो मेरे को बार बार आके मारने लगते, लुक तेली फेस की आँख, लुक 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 लुक, इससे पे सबसे मार के यहाँ पे हम जब मिशन करेंगे स्टार्ट। ले मैंने टीवी इज द फोल्ड डाला भाई, मैंने जब टीवी को ही फोल्ड डाला, मतलब देख रहे हो जिमी क्या ही ज़्यादा खतरनाक, जिमी भाई क्या ही ज़्यादा खतरनाक है। पहले मैंने इसे जानबूझ के इसका नाम लिया, टीवी भी फोल्ड डाला, हाथ भी तोड़ डाला, और तुम लुक तेल जा रहे तेली भेज किया क्या चेल कर ले बे हाँ, और लेवल 1 के बच्चे मेरे से पंगा लेगा, अबे मैं वो मोटे को नहीं छलता और तू मेरे को पंगा लेगा, ले तेल भेज किया तू मेरे को मारेगा, अपने बाप से पंगा मत ले बे तेरा बाप हूँ मैं। तो फिर एक काम करते चलते फिलहाल मिशन को करते फिलहाल स्टार्ट, बहुत हो गई मस्ती, सुबह सुबह 3 बच्चे को मारेगा जब मैंने बिना कुछ काम के। तो फिर एक काम करते ओके, तो मैंने मिशन को फिलहाल कर दिया फिलहाल यहाँ पे स्टार्ट। और देखते हेल्प जैली भाई, जैली को क्या हुआ अचानक गजे पे मेरे पास भागते हुए ऐसे क्यों आ रहे हैं, और मिशन का नाम है गजे पे हेल्प जैली। जैली के लिए मैंने कहा कि क्या हुआ जैली, तो जैली के लिए वो सब छोड़ो तू चल मेरे पीछे, क्योंकि जो स्कूल के अंडरग्राउंड में इसका कुछ तो काम है, और अगर ये काम नहीं हुआ तो ये बहुत गंदी तरह फंस सकता है। तो गजे पे जैली के लिए जब मैं जैली के पास गया तो जैली के लिए कि फटाफट चल मेरे स्कूल के अंडरग्राउंड के अंदर, वहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा सीन है भाई, क्या है भाई। तो गजे पे फिलहाल एक काम करते चलते भाई जैली के फिलहाल पीछे, और जैली के लिए फटाफट तू मेरे पीछे आ, क्योंकि स्कूल के अंडरग्राउंड में मेरा कुछ तो काम है, अगर वो काम नहीं हुआ तो बहुत गंदी तरह मैं फंस सकता हूँ भाई, क्या सीन है। लेकिन जैली के लिए उससे पहले भी हमें, तो फिलहाल चलते गए जैसे स्कूल के अंडरग्राउंड के यहाँ पे, लेकिन जैली के लिए उससे पहले ने काम कर, अगर हम स्कूल के अंडरग्राउंड में जाना है तो यहाँ पे इन 3 बच्चों को मारना पड़ेगा तब हम जा सकते हैं। तो ठीक है गए जहाँ पे 3 बच्चों को यहाँ पे जामिन मारना पड़ेगा, और जैली को देखते गए जहाँ पे देखो क्या ही ज़्यादा तगड़ी तक जब फाइट हो चुकी गए जहाँ पे, ले तेरी भैंस की आँख तू जाली को मारेगा तो मेरे दोस्त को मारेगा, ले तेरी भैंस की आँख तेले भाई, एक काम कर दे जाली उन्हें मार ले तब तक मैं इसे मारता हूँ, ले तेरी भैंस की मैंने इसे सुबह ही मारा था और अभी भी इसे मारता हूँ, ले तेरी भैंस की आँख तू जाली को मारेगा, तुम जाली को मारोगे भाग यहाँ से, अभी जाली मार इसे भाई फटाफट यार, तू जाली भी देख रहे होगा जब अलग यहाँ पे सीन कर ले, मार भी नहीं ला भाई ठीक से मेरे को, उसे भी मारना पड़ा। तो फिलहाल यहाँ पे आ चुके हैं जहाँ पे स्कूल के अंडरग्राउंड के यहाँ पे, तो फिलहाल इसे करते ओपन। तो वही है क्या भाई स्कूल का अंडरग्राउंड बेस,
भाई यहाँ पे तो सब कुछ है, यहाँ पे गाड़ी बीदी चद्दल बिद्दल सब कुछ है भाई 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 भाई, भाई। खतरनाक। तो यहाँ पे चलो कहाँ पे है? ओके जाने के लिए यहाँ पे यहाँ से है जहाँ पे रास्ता, तो ठीक है। और देखो भाई स्कूल ठीक है फिलहाल, और यहाँ पे देखो स्कूल का अंडरग्राउंड बेस जहाँ पे क्या है, तगड़ा बेस है भाई। मेरे को पता नहीं था जहाँ पे स्कूल का अंडरग्राउंड बेस इतना ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। तो जाने के लिए उस स्विच को दबा, फिर एक डोर ओपन हो जाएगा। तो फिर मैंने स्विच को दबा दिया और डोर भी फिलहाल ओपन हो चुका है। तो जाने के लिए कि यहाँ पे ना अगर जब जहरी के लिए यहाँ पे अगर इस हमें ओपन करने तो तू इसके अंदर जा, फिर डोर हो जाएगा ओपन। तो इसे भी इस स्विच को भी दबाते और ये भी डोर हो चुका है फिर ओपन। तो भाई जहरी कहाँ पे भाग रहा है और जहरी को कौन से हमारे हेल्प चाहिए मेरे को वो बात समझ में नहीं आ रहेगा जब। तो कहाँ पे भाई कहे? ओके तो जहरी कहे इसके हम अंदर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो एक काम करे जिमी पत्थर ले और जिमी गए जब वो स्विच को मारे तब जाके वो स्विच दबेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो एक काम कर देगा जब पत्थर लेते जो वीट है ना, वीट यहाँ पे पड़ी हुई है। तो जहरे के लिए काम कर तू वीट को ले और वीट को यहाँ पे उस स्विच के अंदर मार। ठीक है भाई यहाँ पे फर्स्ट टाइम भी तो नहीं लगा। और है क्या यहाँ पे वीट 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 आगे लगेगा जब और एक वीट है यहाँ पे निशाना लगा के एकदम मारना पड़ेगा तब जाके वो लगेगा। ठीक है लिया निशाना, अभी जहरे को नहीं मारना भाई जिमी उसको मारना है। ठीक है लिया निशाना और लगा लगा तो आपने वोट हो चुका है फिलहाल डोल ओपन। ठीक है भाई यहाँ पे देखो भाई क्या है तगड़ा निशाना था। तो क्या सीन है भाई यहाँ पे अंदर तो फिलहाल करंट चालू है। तो एक काम करे जारी करे कि जिमी को इसके अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ से करंट को बंद करेगा और वहाँ पे एक स्विच है जिससे वो डोर हो जाएगा ओपन। तो ऐसे ठीक है तो इसके चलते फिलहाल यहाँ पे अंदर और देखते क्या सीन है भाई भाई। वो वापस से करंट हो चुका है फिलहाल स्टार्ट। तो एक काम करना पड़ेगा इसमें को फिर नीचे वहाँ पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे से स्विच है। ठीक है फिलहाल एक काम करते बैठते और चलते भाई अंदर। भाई यहाँ पे जहरी कह रहा है कि यहाँ पे ना ये अगर हम एक नहीं करेंगे तो इसके आगे इसके आगे नहीं जा पाएंगे। तो जहरी कह रहे फटाफट जिम इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो बैठते फटाफट नीचे और चलते लेट के भाई यहाँ पे। ओके 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 तो फिलहाल चलते फिलहाल अंदर और करंट भाई जहरी बंद करो। ओके जहरी ने फिलहाल बंद कर दिया है और कहाँ पे भाई स्विच? ओके हेला फिलहाल स्विच तो अपना गेट हो चुका है फिलहाल ओपन। तो जहरी कह रहे यहाँ पे ठीक है फटाफट कहाँ पे भाई आगे का रास्ता? तो मैंने यहाँ पे ओके तो कहाँ पे भाई रास्ता कहाँ पे? ओके तो जहरी कह रहा है कि हमें एक सिलेंडर लगेगा जिससे जहरी कह रहे इसका रास्ता मेरे को पता है ये जो पे आग है ना उससे हमें बुझाना पड़ेगा। एक बार हम आग को बुझा देना तो जो रास्ता है वो ओपन हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे इस आग को लेकिन बुझाओ तो बुझाओ कैसे? हम इसके लिए यहाँ पे गैस सिलेंडर लगेगा। सो ऑलरेड गए जब पे लेकिन ये गैस सिलेंडर मिलेगा तो मिलेगा कहाँ पे भाई? इन सब इन पंपकिन के अंदर है क्या? मेरे को नहीं लगता गए पंपकिन के अंदर है भाई गैस सिलेंडर। तो एक काम कर देगा जब पे गैस सिलेंडर को फटाफट ढूंढता हूँ और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। देखते गैस सिलेंडर है तो है कहाँ पे? सो ऑलरेड गए जब पे देखो है लगा जब गैस सिलेंडर तो यहाँ पे शायद से टोक के तो मैं इससे बुझाते फटाफट आग को और चलते फिर पे अंदर। देखो यहाँ पे शायद से रास्ता सीधा अगर हम घुसते भी तो क्या होता भाई? कुछ भी तो नहीं होता ना। तो फिर यहाँ पे शायद से रास्ता तो जहरी कह रहा है यहाँ पे फटाफट ठीक है। तो यहाँ पे होने वाला है जब फिलहाल अपना रास्ता कहाँ पे फटाफट जल भाई जहरी कौन तेरे को पसंद कर ले बस मेरे को बोल। तो इतना गंदा मारता हूँ तू मेरे दोस्त है भाई। तो जहरी कह रहा है इसके अंदर आ फटाफट देख चो फिर और सो ऑलरेड गए जब मैं फिलहाल इसके अंदर आ चुका हूँ और जहरी इतना जोर जोर से मेरे ऊपर काय को चिल रहा है भाई। जहरी कह रहा है कि तू स्टार्टिंग से मेरे ऊपर हेट करते आ रहे मेरे को पता है। तू जितने भी मेरे तक तो काम बताए वो तूने इस वजह से किए क्योंकि मेरे को पसंद आया इस वजह से। लेकिन तेरे दिल में बस मेरे लिए हेट है और जो जो तूने अभी तक जो काम किए वो सब मेरा ही प्लान था भाई। जहरी ने मतलब हमें धोखा दिया है। जहरी कह रहा है कि तूने जितने अभी तक मेरे लिए काम किए वो मेरा ही प्लान था। मैंने जानबूझ के तेरे लिए काम करवाया और मेरे को पता है तू मेरे को हेट करता है। मैंने कहा ऐसा नहीं है। तो जहरी कह रहे अभी तू मेरे हाथ से मरने वाला है। हे जो तेरे मेरा ये जो मेरा जारा दोस्त है वो तेरे को मारने वाला है। हे तेरे को मार डालेगा भाई। जहरी जा मारने की और मार डालने की धमकी दे रहा है। जहरी कह रहा अभी तू तो गया जिमी भाई। जहरी कह रहा मैंने कहा तू धोखा दिया तूने मुझे तो है कह रहा दिया तू मेरा क्या ही कर लेगा। और इसने कहा जहरी को कि तू इसे मार डाल। ओ भाई
मतलब देख रहे हो गाइस। तो भाई यहाँ पे देखो क्या सीन है भाई, तो उसे हमें इसे मारना पड़ेगा, नहीं तो यह हमें मार डालेगा। ले तेरी भैंस की, अब तू मेरे को मारेगा। ओ भाई 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 भाई, भाई क्या गंदी तरह मार ले भाई मेरे को। भाई अभी मैं नीचे गिर चुका हूँ भाई 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 भाई, भाई क्या गंदी तरीके से मेरे को मार लेगा जब पे है। और मेरी हेल्थ देखो एक बार, ले भाई मेरे को तो नहीं लगता मैं इसे मार पाऊंगा। एक काम करे भागते ओहले, अगर मैं इसको भाग के यहाँ पे मार लो ना गजे पे, तो इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम चली गजे पे। ओके 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 ओके। ओ भाई क्या ही ज़्यादा गंदी तरीके से इसने मेरे को पीछे फेंका है। अगर मैं इसे भाग के ऐसा मारता हूँ ना, तो इसकी हेल्थ कम हो रही है। लेकिन भाई गजे पे मेरी हेल्थ देखो क्या ही ज़्यादा, इसने मेरी हेल्थ को कर दिया गजे पे कम। भाई 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 भाई, ए सिप मेरी हेल्थ देखो गजे पे क्या है, इसने मेरी हेल्थ को कम कर दिया है। एक काम करता हूँ गजे पे, मैं अपनी हेल्थ बढ़ाता हूँ और फिर मैं आपसे मिलता हूँ जैसे जैसे हेल्थ बढ़ाता हूँ। सो ऑलराइट गजे पे, जैसे जैसे अपनी जो हेल्थ है ना उसे मैंने फिलहाल मैंने बढ़ा दिया है। लेकिन भेज कर तू मेरे को मारे गला, आप इसकी खुद की हेल्थ देखो, मैं इसे बहुत गंदा गजे पे मार लाऊँ और इसकी हेल्थ यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम कम जा रही थी फिलहाल। लेकिन भेज के लिए अपल टेक्निक गजे पे मार लो तो वो सही है। ले तेरी भैंस की। ओ भाई भाई भाई, ले तेरी भैंस की। ओ भाई ले हेले हेले हेले, इसकी मेरे गजे पे हेल्थ मरने वाले गजे पे है जल्दी। ले तेरी भैंस की, मैंने फाइनली इसे डाउन कर दिया है। ओ भाई फाइनली कैसे मैंने इस मोटे को मार डाला है। और जहरी के लिए ऐसा नहीं हो सकता, तूने इसे कैसे मारा? तो जहरी कह रहा है कि तूने इसे कैसे मारा, मैं ऐसा बिलीव ही नहीं करता। मैंने कहा था मैं तेरा सच्चा दोस्त हूँ, तभी भी तेरे को नहीं लगा। तो मैंने इसे कह दिया साफ साफ कि आज से तेरा और मेरा कोई भी नाता नहीं। तेरे को लगा मैंने सच्ची तरीके से अपनी दोस्ती निभाई थी, लेकिन तूने मुझसे झूठी तरीके से अपनी दोस्ती निभाई। तो जहरी कह रहा है कि झूठी तो झूठी, तू मेरे वैसे ही मेरा दोस्त नहीं है। जहरी मतलब दोनों में बहुत लड़ाई झगड़ा हो चुका है। और जेमी के तो ओके, इनकी सबसे बातें सुनते गए जब पे क्या सीन है। ओके जिमी कह रहे कि तू मुझे आपसे और उस छोटे बच्चे को परेशान नहीं करेगा। तो जेमी जो जाला बंदा है वो कह रहे ठीक है, आपसे इन दोनों को परेशान नहीं करूँगा और सॉरी भाई। अपना लेव चैप्टर 2 भी यहाँ पे ओपन हो चुका है और मेरे को बिलीव नहीं हो रहा गाइस यहाँ पे जैली ने हमें धोखा दिया है भाई खतरनाक तरीके से। मैं आपको सारी की सारी बातें समझाता हूँ क्या सीन है, लेकिन उससे पहले ओके स्कूल का प्रिंसिपल का एक और पे मेरे को परेशान कर रहा है। ठीक है गाइस यहाँ पे स्कूल का प्रिंसिपल यहाँ पे सारी मेरे को इनकी बातें सुननी पड़ेगी गाइस यहाँ पे। तो स्कूल का प्रिंसिपल कह लेगा जब पे तू गंदी गंदी बातें मेरे को बोलते, मेरे को पता चल चुका है। जेरी कह ले जो जिमी कह ले ऐसा कुछ भी नहीं है सर। तो ठीक है उस ये लेवल 5th का बच्चा कल को आया मेरे पास। सो ओके यहाँ पे इससे भी मेरी फिर बातें हो चुकी है। तो यहाँ से फटाफट निकलते भाई, यहाँ पे बहुत गंदी तरीके से अपनी यहाँ पे जगह हो चुकी है जब जेरी के साथ। तो आपको मैं आपको बता दूँ क्या सीन है गजे पे और हमारी लड़ाई क्यों हुई है गजे पे जारी के साथ, और पूरा का पूरा सीन है तो है क्या। तो गजे पे देखो मैं आपको सारे का सारे अपने जो क्लास है ना वहाँ पे जाके बताता हूँ अपने बेडरूम के अंदर। तो गजे पे हुआ क्या गजे पे सारा सीन, जारी ने मेरे को जान मुझ के गजे पे मतलब जारी के साथ अभी मैं जितने भी मैंने मिशन किए ना गजे पे वो सब अभी जारी का ही प्लान था मेरे को फंसाने के लिए और मेरे को मार डालने के लिए। लेकिन जब यहाँ पे जैली के साथ मैं मरा नहीं और मैं उनको मारा तो जैली के हो गए खुंडत। और जैली ने कहा कि मेरे को हेल्प चाहिए, मेरे अंडरग्राउंड बेस के अंदर है ना कुछ लोग मेरे को मारने के लिए आ रहे। तो जब मैं वहाँ पे गया जैली ने कहा कि अभी तक जितने भी प्लान थे ना जो तूने जितने बंदों को मारा वो सब तेरे को मारने के लिए मैंने प्लान किए थे, क्योंकि तू मेरे को हेट करते और इन फ्यूचर तू मेरे को मार सकते क्योंकि तू स्कूल पर इलाज करेगा। तो मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं जेरी, मैं तेरे को क्यों मारूंगा, अगर तेरे को स्कूल पे इलाज करने कर ले मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जेरी कह रहा है नहीं मेरे को, मैं अकेले स्कूल पे इलाज करूंगा और मेरे को यहाँ पे इलाज करना है, तूने तेरे को करने ही नहीं दूंगा, अगर तू जिंदा बचा तो स्कूल पे इलाज करेगा। तो वैसे पे जेरी कह रहा है, जेरी ने उस मोटे से बंदे को लाया
और मोटा सा बंदे ने गजब पे हमें क्या ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से मारा। लेकिन जैसे तैसे मैंने उस मोटे को बंदे को मारा और मोटा सा बंदा कह रहा है कि तूने जैली, जब मैंने उस मोटे से बंदे को मारा तब जैली ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तूने इसे कैसे मारा। मैंने कहा कि मेरी जो लड़ाई थी वो सच्ची की थी, वजह से मैं इसे मार पाया। लेकिन जैली कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, तूने इसे मारा तो मारा कैसे। तो फिर वहाँ से जैली निकल गया और जाड़ा से जो बंदा था उसने कहा कि सॉरी मैं तेरे को, मैंने कहा कि जाने जो जो हुआ तो हुआ, जैली के वजह से तूने भी मार खाया और मैंने भी मार खाया, जाने दे। तो वह पे जो मोटा सा बंदा था उसने कहा ठीक है सॉरी। उसने जब मोटे से बंदे ने मेरे को दो बार सॉरी बोला, पहले तब बोला और पहले उसने कहा कि सॉरी और मैंने कहा कि सॉरी सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे को और जो छोटा बच्चा है उसे परेशान मत कर, मैं भी तेरे को परेशान नहीं करूँगा। तो उसने कहा ठीक है मैं तेरे को और जो छोटा बच्चा है उसे बिल्कुल भी नहीं मारूँगा, उस बात के लिए सॉरी। तो मैंने कहा ठीक है, और उसने कहा कि आपसे मैं ही नहीं, जो लेवल 2 के बच्चे वो भी तेरे को बिल्कुल भी नहीं मारेंगे, अगर तू कोई भी तेरे को मारते है तो बस मेरे पास आ, मैं ना उनको समझाऊँगा नहीं तो उनको पीटूँगा। मैंने कहा ठीक है भाई यहाँ पे मैं जब तेरे पास आऊँगा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती तो। और यहाँ पे मैं वहाँ से निकल गया गए जहाँ पे, और स्कूल का प्रिंसिपल ने मेरे को बुलाया और स्कूल का प्रिंसिपल है वो कह रहे कि अभी तक तेल जो लड़ाई झगड़ा है वो ख़त्म नहीं हुआ, तो अभी तक बड़े बड़े बच्चों को मार लाए और गालियाँ दे रहे और मेरे को भी तू गालियाँ दे ले, मैंने ऐसा सुनाई दिया, मैंने मेरे को ऐसा सुनाई दिया। तो मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं सर, मैं अभी ना ही किसी को मार लाऊँ और ना ही किसी को परेशान कर लाऊँ, अगर ना और ना ही आपको मैंने अभी तक गाली भी दी है। तो सर ने कहा ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं, तो तू जा सकता है यहाँ से। और जब सर अंदर गया और मैं वहाँ से जा ही रहा था, जो लेवल 4 का बच्चा सॉरी लेवल 5 का बच्चा मेरे पास आया और उसने कहा कि मैंने तेरी जो मैंने तेली लड़ाई देखी उस जाड़े बंदे से, मैंने जो तेली लड़ाई है वो जाड़े बंदे के साथ फिलहाल देखी और तू एकदम तगड़ा फाइटर है। अभी जो अपनी जो सिटी है वो एक काम कर, अपने जो अपना गेट है वो ओपन हो चुका है तो अभी सिटी के तरफ आ सकता है। तो मैंने कहा हाँ अपना जो गेट है वो ओपन हो चुका है तो करूँ क्या। तो वो जो लेवल 5 का बच्चा है उसने कहा कि एक काम कर तू ना मेरे पास आ जाता हूँ, तू भी वहाँ पे और तू भी हमारे साथ बॉक्सिंग कर। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा बॉक्सिंग क्लब में बॉक्सिंग करने के लिए तुम्हारे साथ। तो उसने कहा कि मैं तेरे को एड्रेस दे दिया है और जो अपना गेट है वो फिलहाल ओपन हो चुका है। उसने कहा कि जो अपना गेट है वो फिलहाल ओपन हो चुका है, तो जिमी क्या करे, जिमी वहाँ पे आए और वो जो बच्चा है ना वो एंट्री फी कर देगा और एंट्री फी भर देगा जिमी की, बस जिमी को आना है और वहाँ पे बॉक्सिंग सीखनी है। तो मैंने कहा ठीक है जिमी वहाँ पे आ जाएगा और बॉक्सिंग भी तुम्हारे साथ सीख लेगा। तो अभी देखो वहाँ से निकल के मिर्ज़ा यहाँ पे आ गया गजब पे आपको समझाने के लिए। मतलब सिंपल भाषा में कहूँ ना तो जो अपना दोस्त है जय और जिमी की फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा तगड़ी लड़ाई हो चुकी है और आपसे गजब पे आपको अभी जो अपना जिमी है ना वो अपने ज़्यादातर स्कूल में नहीं मिलेगा, ज़्यादातर मिलेगा गजब पे वो बॉक्सिंग रिंग के अंदर। मतलब यहाँ पे सच्ची कहूँ तो आपने जो जिमी ने गजब पे वो बॉक्सिंग के लिए जाने वाला है, क्योंकि मैंने तय कर लिया कि अभी आपने जो जिमी ना वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बॉक्सिंग करेगा, क्योंकि अभी आपको पता है जिमी को बॉक्सिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस वजह से गजब पे जो अपना जिमी है वो बॉक्सिंग करेगा। तो गजब पे यही थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, चैनल अच्छा लगता है तो ही सब्सक्राइब करना, और आपको नेक्स्ट वीडियो में गजब पे बाहर का टूल दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।